दमन में कई वर्षों के बाद फिर एक बार सार्वजनिक मार्ग पर गाड़ी को रोककर हत्या करने का सनसनीखेज वारदात को हत्यारों ने अंजाम देकर दहशत फैला दी है। रविवार की रात को करीबन 9:30 बजे के आसपास भीमपुर के दो युवक अजय मांजरा एवं धीरज पटेल वापी की ओर से दमन आ रहे थे। इसी दौरान दाबेल के विशाल बार के पास महाराष्ट्र पासिंग की सफेद कलर की स्कॉर्पियो में आए हमलावरों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोका गया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अजय मांजरा एवं धीरज पटेल अपनी जान बचाने के लिए बार के अंदर भागे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया और बार के अंदर जाकर दोनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही संघ प्रदेश के DIGP बीके सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ये वारदात रात 9:30 बजे के बाद घटित हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने नाकाबंदी कर हत्यारों को पकड़ने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए सफेद कलर के स्कॉर्पियो में हमलावरों के आने की जानकारी मिली है, जिसके लिए हमने चेक पोस्ट पर लगे सभी CCTV कैमरे की फुटेज चेक करना शुरू कर दिया है कि पूरे दिन भर में सफेद कलर की कितनी स्कॉर्पियो गुजरी है। DIGP का कहना था कि बार के अंदर घुसकर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है तो हमें कोई पुख्ता सबूत भी मिलेंगे। ये 9:30 बजे के बाद की बात है, खबर मिली कि विशाल रेस्टोरेंट पे मर्डर हो गया है और जिस पे पुलिस मौके पे पहुंची और पता चला कि अजय नाम के और एक दूसरे धीरू दुल्ला पटेल इनका मर्डर हुआ है और ये दोनों एक और तीसरे उनके साथ वापी से आ रहे थे कहीं से और यहाँ पे जैसे उन्होंने गाड़ी रोकी एक स्कॉर्पियो वाइट कलर की आके उसको आगे से उसने बैक करके इसके आगे की गाड़ी में नॉक किया। जैसे उतरे उन्होंने फायरिंग शुरू की, वो दोनों अंदर गए, वहाँ अपराधियों ने उसका पीछा किया है वहाँ तक और वहाँ भी गोली मारी है जहाँ पे उनको अभी अस्पताल भेजा गया है और मृतक घोषित हुए हैं। सर अभी तक कुछ सामने आया कि क्या क्यों है इस तरह की जो वारदात क्यों हुआ है और कितने राउंड कुल फायरिंग हुआ है अभी? अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि जाहिर है कि इसमें कोई क्रिमिनल गैंग इन्वॉल्व है। जिस प्रोफेशनल तरीके से मर्डर हुआ है उससे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल गैंग है। महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी है, हम लोग अभी उस गाड़ी को ढूंढवा रहे हैं, तो पकड़ने की कोशिश करेंगे। सर प्राइमा फेसी में ये किस वजह से होगा? क्रिमिनल गैंग है तो कुछ भी हो सकता है, जब क्रिमिनल गैंग इन्वॉल्व होता है तो कोई भी एंगल निकल सकता है। अभी हम उस मामले में नहीं बता पाएंगे क्या एंगल है।
थोड़े समय पहले भी इस पर फायरिंग हुई थी फिरपुर में। हाँ, उसमें हमने केस भी रजिस्टर किया था, उसमें इनके टच में थे पुलिस वाले और इनको भी बता रखा था कोई भी क्लू हो किसी पे शक हो। अभी तक उस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई थी क्योंकि किसी तरफ से कोई क्लू या शक नहीं आया था कि किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे। वो केस भी अंडर इन्वेस्टिगेशन था। अभी गैंग इसलिए नहीं बता पाएंगे, फिलहाल तो हमारे पास एक ही क्लू है कि महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी है, तो जाहिर है कि हम महाराष्ट्र के जो नेबरिंग एसपी है उनसे बात करेंगे, अभी कर भी रहे हैं। Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. For exclusive deluxe, super deluxe and suite rooms with royal ambience. AC restaurant and garden restaurant, ideal for parties and birthday parties. Hygienic, delicious food with quick service. Conference hall, discotheque, party plot. Available. Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. Mashal Chowk, Nani Daman. For more details, call 0260-645-6003, 9879-86-9822, 9898-641-020. Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. लाओ बिजली बचाओ। होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms
We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती, देवका रोड, नानी दमन।